रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाकर बेचने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र इल्तिजा हुसैन निवासी इस्लामचक बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा सलाउद्दीन पुत्र रसीदुल्ला निवासी स्मालचक बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक स्कूटी, 30 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 2500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम फिटकरी को बरामद किया गया है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया अभियुक्तगढ़ से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्तगढ़ द्वारा अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब यूरिया व फिटकरी मिलाकर बेचते हैं, जिसके पीने से आम जनमानस को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। अभियुक्त शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र इल्तिजा हुसैन निवासी इस्लामचक बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर थाना तिवारीपुर का हिस्ट्री सीटर है, जो अपने सहयोगियों सलाउद्दीन पुत्र रसीदुल्ला निवासी इस्लामचक बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के साथ मिलकर अपराध कारित करता है। अभियुक्तगढ़ अपराध करने के आदि हैं। दोनों साथ मिलकर लूट चोरी जैसे अपराध पूर्व में कारित कर चुके हैं और अब अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार राय, कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव, धनंजय कुमार, राजेश कुमार शामिल रहे।